हाय गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ अब बेंगलोर और हम अब जा रहे हैं राइड पिकनिक पर, हमारा फ्रेंड्स हम। और आप लोगों को दिखाती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं बेंगलोर की लाल बाग पर, जहाँ पे वहाँ पे बाग है, तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। रहा बेंगलोर रामनगर एरिया जहाँ पर हम रहते हैं, और यहाँ पर पूरे गाड़ी गाड़ी का ट्रैफिक सारा, और हम जा रहे हैं और लालबाग जरा हम लोग चल के जा रहे हैं। सामने है हमारा रूम से लालबाग। ओ जल्दी चलो, थक गई हूँ मैं बहुत सारा थकती हूँ, और बहुत स्लो स्लो चल रही है ये लोग, और पूरे थक चुकी हूँ। मेरा पेट इतना सारा है और बहुत ही धूप है। बेंगलोर का सुदाम नगर एरिया, और यहाँ पे रुस्तम और हम लोग लेके जा रही थी। और ये रहा रेनो, जल्दी आओ। बेंगलोर आ रही थी, मैंने ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि मैं जर्नी करते वक्त मेरा हेल्थ खराब हो जा रहा है, तो इसलिए अकेली थी और इसलिए मैं नहीं बना पाई थी। इसलिए आज मैं जा रही हूँ लालबाग की, और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को लाल। वैसे घूम के नहीं दिखाऊँ क्योंकि हम लोग ड्राइव पिकनिक जा रही हूँ, तो बैठ के थोड़ा एंजॉय करेंगे इन लोगों का साथ। वैसे बेंगलोर आने फर्स्ट टाइम है ये हमारा पिकनिक जो हम लोग जा रहे हैं, और वहाँ पर बहुत सारा अभी भी लोग देखने को मिलेगा। और मैं थक गई हूँ भाई, एक चिन पकड़ो ना, थक गई तो आओ रे बाबा, जल्दी चलो। आए वो आइस के पिघल जाएगा, थोड़ा उसमें रखो, छाँव पे चलो। देखो ये भाई लोग जो है केक ढूंढने के लिए इतना शर्म कर रहे हैं, पता नहीं। हम अभी पहुंच चुके हैं लालबाग की, और ये रास्ता हम लोग को क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन मैं रास्ता क्रॉस करने में सबसे डरपोक हूँ। और वो रहा लालबाग गेट, यहाँ से अंदर जाएंगे पर हमें ये रास्ता क्रॉस कर लेना होता है। और वहाँ पे मंजू जो ब्लॉग बना रही है वो भी, यहाँ पे रास्ता क्रॉस करना पड़ेगा हम लोगों को, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। उन लोग रास्ता क्रॉस हो गया, आपने जा रहे थे। तो हम लोगों ने रास्ता क्रॉस कर लिया है, और ये रहा लालबाग सेकेंड गेट, जो ये है हम लोग सेकेंड गेट, यहाँ से हम लोग जाते हैं। फर्स्ट गेट, सेकेंड गेट, थर्ड गेट एंड फोर्थ गेट, यहाँ पे चार गेट हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। और हम यहाँ से जाएंगे अंदर की ओर। वैसे तो हम हमेशा यही गेट से जाते हैं, फर्स्ट गेट उस तरफ, सेकंड गेट ये हो गया, थर्ड उधर। हम यहाँ से टिकट लेंगे। अब आज तो पूरा टिकट काउंटर भी खाली है, बाकी दिन में बहुत भीड़ रहता है। और 30 रुपीज़ हो गया यहाँ पे, पहले 20 था, आज इस बार 30 हो गया है। हम यहाँ पे कट रहे टिकट क्योंकि हम लोग 180 30 रुपीज़ लालबाग का टिकट भी बढ़ गया है, पहले 20 था, अब 30 हो गया है। वहाँ हम एंट्री करेंगे यहाँ से। आओ जुम भैया, भाई टिकट दिखाओ, ये रहा हमारा टिकट। आओ जुम तुम भाव फर्स्ट, और हम होंगे, हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं लालबाग की ओर। हम आगे लाल बक्का नजारा इस तरह से है। हाय, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर गर्ल्स है, फ्लावर्स की है। और यहाँ पे हमारा टीम बहुत थक चुके हैं, फ्लावर्स का दाम बहुत सस्ता मिलता है इधर। हाँ कितना, 100 रुपीज स्टार्टिंग है। अच्छा अच्छा फ्लावर लेके जाइए। नंबर वन कौन सा आता है चेक करना पड़ेगा, इधर घुस के अभी बहुत आदमी घुसा हुआ है, औरत है, लेडीज है, मर्द है। सच में बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स। अभी हम लोग जा रहे हैं गुफा में,
गुफा का उधर निकलेगा तो बहुत धूप है, फट जाएगा पूरा सर। कतर का दीदी एवडा फोन भन्नु न, ओन्ली 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 100। तो गाइस हम लोग अब यहाँ से जाएंगे, क्योंकि उस तरफ से गया था तो वहाँ पे चेकिंग हो रहा था, यानी कि खाने का चीज़ हम लोग लेके आया था, केक वगैरह और सब कुछ बना के मीट वगैरह लेके आया था, फ्रूट वगैरह, तो उन लोगों ने अंदर में लेने के लिए नहीं दे रहा था। तो हमने सोचा हम इस तरफ से चले जाएंगे, यहाँ पे टिकट तो ले लिया है पर वहाँ पे तो चेकिंग कर रहा था ना, तो इसलिए यहाँ से जाऊँ तो चेकिंग नहीं था, तो हम लोगों ने सोचा यहाँ से एंट्री कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत लोगों का छीन छीन के रख देना। और हम लोग ने फ्रूट जूस वगैरह भी बाहर से लेके आया था, अंदर में इतना महंगा है, इतना महंगा है, हमारा बस का बात नहीं है। तो फिर हम लोग यहाँ से निकल पड़ा, पता नहीं देख लेगा तो क्या होगा, लेकिन पर आज ही क्यों ऐसा कर रहा है, कभी कभी तो नहीं करता है, नहीं करता है, लेकिन बहुत सारा लोग लेके गए, किसी ने तो अंदर लेके गए, और हम लोग ठहरा बाहर से आया वाला, इसलिए हम लोगों को तो शक्ल में देखकर ही पहचान जाएगा उन लोगों को उसका, हम लोगों तो जहाँ से भी रुकाना ही है उन लोगों को, तो हमें तो रुका ही देगा, तो इसलिए चलो यहीं से चलते हैं बोल के हम फिर यहीं से चलने लग गए। चल के आगे में अच्छा जगह वहाँ पे रिलैक्स करते हैं। तो गाइस देखिए नज़ारा, हमने सोचा है कि हम सब यहीं पे रुकेंगे, यहीं पे बैठ के एंजॉय करेंगे, क्योंकि सब लोग थक गया है, क्योंकि थोड़ा सा आगे जाएगा सोचा था, तो सबने कहा यहीं पे बैठ जाएंगे, सब लोग सुस्त हो गया क्योंकि आज बहुत ज़ोर की धूप लगी है, इसलिए सब सुस्त हो गए। तो ठीक है हम यहीं पे रुकते हैं, और थोड़ा शांत है, कोई भी इतना आदमी नहीं दिख रहा है, तो यहीं पर हम लोग बैठेंगे, तो यही सोचा हमने, थोड़ा शांत में रहूं तो अच्छा लगेगा। तो अब मैं यहाँ पे बेडशीट लगा लेती हूँ जो हम लोगों ने घर से लाया था, और वहाँ पे बेडशीट रेडी करने का बाद, वैसे कारपेट नहीं लाया था इसलिए बेडशीट लेके आया, तो फिर ये लगा देती हूँ, फिर जो जो हमने घर से ले लाया था खाने के लिए चीज़ जो, वो इसके ऊपर रखते हैं। तो इसी तरह से हम बेडशीट लगा ला, ड्राई पिकनिक इसी तरह से किया जाता है हम लोग तो यहाँ पर, छोटा मोटा ड्राई पिकनिक, यहाँ पे फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए ऐसे ही कर लेते हैं, फ्रेश होने के लिए आया था। तो आप यहाँ पे निकालते हैं हम सामान वगैरह। सो गाइस ये रहा आज का हमारा ड्राई पिकनिक का आइटम्स, जो इतना ज़्यादा तो नहीं है, कुछ फ्रूट्स कुछ है यहाँ पे, और केक वगैरह है, तो आज का ड्राई पिकनिक आइटम यही रहेगा, और हम इसी से इंजॉय करने वाला है। बहुत स्पाइसी बने ये झाल चना है, ये मंजू ने बनाया, बहुत ही स्पाइसी हो गया है, सबसे ज़्यादा इसको हो रहा है। ए सिटी मारना है, मारने तो चुपचाप अपना काम करो ना, खाओ ना चुपचाप खाओ। सिटी मार बने अंडा मुफा को पकाओ नहीं ले ले बराबर से खाने में। तो देखिए सब लोग खा पी के उठ चुके हैं, और अपना अपना फ़ोटो वोटो ले रहा है, वीडियो रील्स वगैरह बना रहे हैं, और मैं ठहरी यहाँ पे खाने के लिए, क्योंकि मुझे खाना वेस्ट करना पसंद नहीं है, और मुझे खाना बहुत ही पसंद है, बहुत ही ज़्यादा मैं खाती हूँ, और ना पसंद कुछ भी नहीं, सब कुछ खाती हूँ मैं, और सब लोग खा पी के उठ गया और मैं अकेली हूँ, तो मैंने सोचा मैं ख़त्म कर लूँ, अच्छा है ना। यहाँ पे मेरा टीम फोटो रील्स बना रही, सब पैकिंग वैकिंग हो गए, अब हमें जाना है आगे की, और थोड़ा सा घूमती हूँ, दिखाऊंगी मैं आप लोगों को लाल बाग कैसा है। पक्की लागे मेरे ऑनर में, बाय बाय।
आई बनिया वीडियो में छु ए डोलो जी हेलो मंजू लाल रंग दे रहा है हवा उड़ रहा है ना तो आप देखिए लालबाग का नज़ारा दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। वैसे तो आज बहुत भीड़ भाड़ है लालबाग में, बहुत सारा आदमी लोग आया है, तो देखते रहिए आगे का, पीछे का साइड भी बहुत अच्छा है। देखिए नज़ारा इसी तरह का है लालबाग में, बाग 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 ऐसा ही रहता है, देखिएगा। एकदम बिजी हो गया, फोटो खींच के वीडियो बना के खाने मन नहीं कर रहा था। कब हुआ तुम्हारा बच्चा? मेरा जीजो लालबाग इतना बड़ा है कि हम लोग एक ही दिन में घूम के खत्म नहीं हो सकते हैं। मेरा 80,000 का चश्मा लगाएगा, 80,000 का चश्मा है, 80,000 का चश्मा नक्को दियो जी। नजारा लालबाग का बहुत अच्छा है, आके आप लोग भी घूम लेना। तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा है, हम लोग यहाँ पे थक गए हैं पूरा घूम फिर के, और हम दोनों यहाँ पे देखिए, और हमारा जो थोड़ा सा चाना चटपटे चमची है तो देखना काम है भाई। कैसे खाएंगे तो इस समय क्या दूसरा चीज़ ये तो सबसे तो क्या आएगा है ना चाहिए था उधर ना केक का, वो केक का निकाल उधर केक है किसी को खाने के लिए मन है तो डायरेक्ट ये दो तर मेरे फिर पेपर निकालो है ना प्रिया चटपटे खा लो। ओह माय गॉड कितना गर्मी है। हम लोग बाहर लालबाग से बाहर निकल के अंधेरा हो गए, और मेरा वीडियो आज यहीं पर एंड करती हूँ। और इतना खास तो नहीं था आज का पिकनिक, क्योंकि थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया हम सब का। तो आप सभी को अच्छी लगे तो लाइक करना, अच्छा नहीं लगे तो भी लाइक करना। तो
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बाय बाय। तेने कुछ कहोगी तुम? हम तो कितना केक खाने का मन किया था, वो सिर्फ रोटी में केक खाने के लिए नहीं दिया। हाँ एक्चुअली हमारा साथ आज ऐसा हो गया था, हम लोग रिपोर्ट नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी था, उन्होंने हमें बहुत कुछ खाने में सब अलो नहीं किया। बाकी लोग खा रहे थे क्योंकि वही जो मैंने आप लोगों हमको आइस केक बोल के और दुकानी भी झूठ बोला और इधर आया वो क्या बोल रहा है नॉर्मल केक था, आइस केक नहीं था, आइस केक भी नहीं था। उसका बाद में सिक्योरिटी आया, सिक्योरिटी आने के बाद हमको तो इतना डर लगा, ये हम लोग का मजबूत वाला है वो नहीं, उसने हमको तो जैसे कि अब हम लोग गेट से बाहर होने वाले बस हो गई, तो आज का वीडियो यही एंड कर दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, बाय करो, बाय, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, चलो बाय बाय।